तो तीनों ग्रेवी आपको बताया, तो ये हमारी टमाटर की ग्रेवी जो डन हो चुकी है, ये हमारी काजू मगज और प्याज की ग्रेवी जो डन हो चुकी है, और ये हमारा चौप मसाला। तो तीनों चीज़ डन हो चुकी है। तो चलिए अब अपना आइटम लगवाते हैं। अब आपका मैश इसमें जाएगा पनीर, ये पनीर मैश करा हुआ है। तो ये पड़ गया ऊपर से धनिया, और ये आपका बन के रेडी है। तो अब बन रहा है टमाटर की ग्रेवी। ये है 1.5 किलो टमाटर बीच में से कट करा हुआ है, और इसमें डाल रहा भी है जिंजर गार्लिक और थोड़ी सी मिर्ची। तो इसको अब बॉईल करना है। इसमें अब डाला भैया ने थोड़ा सा तेल, रिफाइंड ऑयल, ये है आधी कटोरी। अब इसमें मसाले देख लो क्या क्या पड़ेंगे। 1 चम्मच नमक, ये बड़ा चम्मच है, 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च, ये आपको होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल सिखा रहे हैं, और थोड़ा सा पानी 1 ग्लास अराउंड। अब इसको कितने देर तक उबालना भैया? 20 मिनट 20 मिनट तक इसे उबालना है तेज आंच पे। तो चलिए इसे उबलने देते हैं। अगर आपको लगेगा पानी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल देना इसमें। तो इसको चलिए पकने देते हैं। इसमें कुछ और डालेगा भैया? अब नहीं डालेगा, 20 मिनट तक इसे उबलने देते हैं। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ बिरयानी ब्रिज में, जो कि आपका द्वारका सेक्टर 7 रामपाल चौक में। यहाँ पे आपको मिलेंगे काफ़ी सारे आइटम्स वेज और नॉन वेज में, और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है मटन हांडी चंपारण। और अगर आप डाइनिंग या टेक अवे में आते हैं तो आपको मिलेगा डायरेक्ट 20% का फ्लैट डिस्काउंट, और 5% अगर आप वाइनम फूडी का नाम लेते हो। तो स्विगी जोमेटो में भी ये अवेलेबल है, तो ऑर्डर करो और हमें बताओ यहाँ का टेस्ट आपको कैसा लगा। ये टमाटर हमारे उबल चुके हैं अच्छे से, 20 मिनट इसे हो चुके हैं, अब इसे मिक्सी में पीस देंगे। तो ये हमारी टमाटर की ग्रेवी पिस चुकी है, और पिसते वक्त थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया था। ये देखो हल्का सा पानी डालना है आपने, ज़्यादा नहीं, आधा कटोरी डालना बस। अब इसको पकाएंगे भैया। इसमें पानी अभी और पड़ेगा? नहीं, अब इसमें पानी नहीं पड़ेगा। और कितनी देर पकाना है इसे? ये 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट इसे पकाना है तेज आँच में? नहीं, मीडियम। अच्छा, स्लो आँच पे, मतलब मीडियम की मीडियम से भी स्लो? मीडियम आँच पे से 15 से 20 मिनट इसे आपने पकाना है। अब चलिए इसे पकने देते हैं। और बीच बीच में हिलाना भी भैया? बीच बीच में इसे हिलाते रहना। इसमें कुछ मसाले पड़ेंगे अभी? कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी टमाटर की ग्रेवी बनके रेडी है 15 से 20 मिनट के बाद कम आँच पे। तो सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे। पहले कौन सी ग्रेवी बन रही भैया? ये वाइट ग्रेवी बन रही है, जो आपकी प्याज काजू और मगज की बनती है। और प्याज कितना लेना भैया? 1 किलो और ये मगज 200 ग्राम मगज है, ये मोटा वाला मगज है जो तरबूज का होता है, एक खरबूज का होता है, एक तरबूज का होता है। 100 ग्राम काजू। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाना है इसे। पहले इसमें डाला तेल आधी कटोरी। तो थोड़ा सा तेल गरम करने के बाद आपने इसमें डालना है प्याज 1 किलो, और ये 1 किलो पूरा यूज़ नहीं होगा, जितना यूज़ होगा मैं आगे आपको बता दूंगा, पूरा यूज़ नहीं होगा ये। तो आपके लिए स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं ग्रेवी कैसे बनती है, क्योंकि यहाँ पे तो पतीले भर के बनी पड़ी है पहले से ही, बट हमने बोला हमें स्टार्टिंग से ही सीखना है। तो थोड़ा कम क्वांटिटी में हमें बताओ, ताकि घर पे लोग बना पाएँ, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी का होता है ना तो आप लोग उसका मेजरमेंट कर नहीं पाते सही से, तो इसलिए आपको कम क्वांटिटी में ही सिखा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई करना है। इसको कितनी देर करना है भैया? 5 मिनट 5 मिनट तक तेज आँच में आपने इसको फ्राई करना है। तो ये 5 मिनट के बाद भैया इसमें डाल रहे हैं मगज, मोटा मगज है ये, जो तरबूज का होता है, तरबूज का अंदर का जो बीज होता है ना काला वाला, उसके भी अंदर एक और बीज होता है, वो होता है ये, और खरबूज के अंदर तो साबुत ही होता है, और काजू भी डाल दिए इन्होंने। अब इसको कितनी देर ऐसे करेंगे भैया फ्राई? एक मिनट इसको ऐसे फ्राई करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब भैया इसमें डाल रहे हैं पानी, और ये होगा आपका 2 कटोरी, ये बड़ी कटोरी है, कटोरी नहीं है तो बहुत ही बड़ा कटोरा सा है। तो ये हो गया अराउंड 4 कटोरी इसमें पानी डाली भैया ने। अब इसको उबालना भैया कितनी देर? 10 मिनट तक इसे तेज आंच पे अब उबालना है अच्छे से। और थोड़ा पानी कम पड़ जाए तो हम डाल सकते हैं ना भैया? अगर आपको लगेगा पानी कम पड़ रहा है तो पानी आप डाल सकते हो, जैसे यहाँ भैया डाल रहे हैं। अगर आपको लगेगा ये सूख गया ज़्यादा तो आप इसमें पानी डाल देना। दस से पंद्रह मिनट तक। तो 10 से 15 मिनट इसे अब अच्छे से बॉयल होने देते हैं तेज आँच पे। तो ये अपने 15 मिनट हो चुके हैं, वाइट ग्रेवी हमारी रेडी है। अब इसे भैया पलट रहे हैं इसमें, अब इसको ठंडा करेंगे और पीसेंगे ना भैया? बस धोना पड़ेगा पहले, धोना है। अच्छा, पीसना पड़ेगा पहले, धोना है अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से, उसके बाद इसको पीसना है।
तो भाई अपनी वाइट ग्रेवी थी जो काजू मगज और प्याज की थी, उसमें तड़का लग रहा है, उसमें तड़का बहुत मेन रहता है। तो इसमें 250 ml लिया है रिफाइंड ऑयल, अब इसमें मारेंगे तड़का। तड़के में आपका सबसे पहले पड़ेगा तेज पत्ता, आपकी मोटी इलायची, बड़ी इलायची 3 से 4, और एक दालचीनी, दो दालचीनी डालिए इसमें छोटी डंडी। इसको हल्का सा 1 मिनट बस तेज आंच में पकाएंगे। उसके बाद इसमें डलेगा आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो देख लेते कितना पड़ेगा, 2 बड़े चम्मच। अगर घर के चम्मच के हिसाब से बताऊँ तो 3 चम्मच पड़ गया ये। तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे, इसको तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद इसमें हम अपना पेस्ट डालेंगे जो हमने पीसा था मिक्सी में काजू मगज और प्याज का। हमारी जो टमाटर की ग्रेवी थी वो पहले इसमें जाएगी, 1 करछी, और ये बहुत बड़ी करछी है, तो 1 करछी इसमें डालिए टमाटर की ग्रेवी जो हमने सीखी थी इससे पहले। इसमें पड़ेगा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच आपकी देगी मिर्च, और ये चम्मच थोड़ा सा बड़ा है, ये क्या भैया, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर मतलब आधे से भी थोड़ा सा कम, ये कौन सा था भैया, गरम मसाला, ये गरम मसाला था 1/2 चम्मच, किचन किंग मसाला 1/2 चम्मच, बस ये पड़ेगा इसमें। और ये वाइट ग्रेवी का तड़का लग रहा है, एक्चुअली वो दिखने में वाइट नहीं होगी, थोड़ी सी पीली होगी, अभी आपको एंड में दिखाऊंगा जब वो बन के रेडी होगी। वेज ग्रेवी, जिसका नाम वेज ग्रेवी भी होता है। तो इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट भैया, 1 से 2 मिनट इसे पकाना है। आँच आप घर पे मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो तेज भी मतलब मीडियम ही होती है। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा जिंजर गार्लिक को मतलब अच्छे से भून दिया 2 मिनट तक, इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक। और इसमें डाल दिया हमारा जो मगज था और काजू था और प्याज का जो ग्रेवी था वो डाल दिया है, तो जितना बनाया था सारा डाल दिया। अब इसे कितने मिनट तक पकाना भैया, 20 मिनट 20 मिनट तक मीडियम आंच पे। तो 20 मिनट तक मीडियम आंच पे आप इसे पकाएंगे, और बीच बीच में इसे हिलाते रहना ताकि नीचे ना चिपक जाए, और 20 मिनट के बाद आपकी ये वाली ग्रेवी बन के रेडी है। और आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो भी आइटम बन रहा है ना वो कम से कम 5-6 आइटम के लिए बन रहा है। अब आप बोलोगे कि नहीं घर के लिए 1 आइटम के लिए बताएं, तो वो नहीं हो सकता, 2-3 चम्मच का काजू कौन आपको पीस के बताएगा। तो इसमें एटलीस्ट 15 से 20 लोग खा लेंगे, अगर 1 आइटम मैं कोई बनाऊंगा ना इस चीज़ का तो 15 से 20 आइटम मतलब 15 से 20 लोगों के लिए बनेगा ईजिली। तो अब बन रहा है हमारा फाइनल आइटम मतलब फाइनल मसाला, जिसे कहते हैं चॉप मसाला। ये प्याज टमाटर का मसाला होता है जो आपके आइटम में पड़ता ही पड़ता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे तेल कितना लिया होगा भैया आपने, 400 ग्राम अराउंड तेल लिया है। तो तेल गरम हो गया, यहाँ पे डाले थोड़े से तेज पत्ता और ये जीरा थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच। अब डालेंगे इसमें अपना चॉप करा हुआ प्याज, और मेक श्योर कि जो प्याज की कटिंग है वो सेम रहे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, अदरवाइज कुछ प्याज पहले पक जाएंगे कुछ लेट पकेंगे। अब इसको ब्राउन होने तक पकाना है भैया, अब इस प्याज को ब्राउन होने तक पकाना है। इसमें अभी तो कुछ नहीं डलेगा मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी नहीं, सब बाद में। तो इसको ब्राउन होने तक पकने देते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट लेकिन बनेगा आपका बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट होटल स्टाइल में। तो भाई यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें जा रहा है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये है कम से कम 2 चम्मच, जो घर पे चम्मच होते हैं वैसे चम्मच हैं इसमें 2। इसके बाद इसमें डलेगा हमारा मसाला, अब देखते हैं मसाला स्टेप बाय स्टेप। मसाला जो 1 चम्मच देगी मिर्च, 2 चम्मच देगी मिर्च, बस इसमें देगी मिर्च पड़ेगा क्योंकि जो टमाटर की ग्रेवी थी उसमें भी पड़ा था, तो बस 2 चम्मच देगी मिर्च आपने इसमें डालना है। इसके बाद इसमें डालेंगे हमारे चॉप करे हुए टमाटर। भैया टमाटर और प्याज का मैंने तो पूछा ही नहीं, कितना कितना प्याज था कितना टमाटर। प्याज था 750 ग्राम 700 ग्राम प्याज था, और टमाटर 400 ग्राम टमाटर। तो इसको अच्छे से पकाना, कितनी देर और पकाना भैया, 5 मिनट पकाना है आपको तेज आंच पे, आप घर पे मीडियम आंच पे पकाना 5 से 6 मिनट। और भैया क्या बोलते हैं इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, अब कुछ नहीं डलेगा, आपका ये बनके रेडी है 5 से 6 मिनट के बाद। तो तीनों ग्रेवी आपको बताया, तो ये हमारी टमाटर की ग्रेवी जो डन हो चुकी है, ये हमारी काजू मगज और प्याज की ग्रेवी जो डन हो चुकी है, और ये हमारा चॉप मसाला। तो तीनों चीज़ डन हो चुकी है, तो चलिए अब अपना आइटम लगवाते हैं।
तो यहाँ पे बनने जा रहा है हमारा पनीर बटर मसाला। सारी ग्रेवी आपने सीख ली कैसे इसे हमने बनाया था। यहाँ पे भैया ने डाला है रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच, थोड़ा सा जीरा, ये मैं इतना बनवा रहा हूँ कि 2 बंदे खा सकें। ये भैया ने डाला इसमें अपना चॉप मसाला प्याज और टमाटर का, जो मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये है आपकी वाइट ग्रेवी, वेज ग्रेवी, काजू मगज और प्याज की, और ये डाला उन्होंने टमाटर की ग्रेवी जो हमने सीखी थी अभी थोड़ी देर पहले। इन सबको मिक्स करना सही से। तो रेस्टोरेंट स्टाइल में हम सीख रहे हैं पनीर बटर मसाला, कोई भी आपको ऐसे नहीं सिखाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अभी से, और पूरा देखा करो यार वीडियो। अब इसमें मसाले पड़ेंगे, भैया धीरे धीरे बताना ठीक है। ये पड़ गया आपका 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच आपका देगी मिर्च, 1/2 चम्मच आपका धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, किचन किंग कसूरी मेथी, थोड़ा सा मतलब 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम। तो इसको अब अच्छे से पकाना है। अब आपका मैश इसमें जाएगा पनीर, ये पनीर मैश करा हुआ है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट आपको लगेगा, जब आपकी ग्रेवी सारी पक जाएगी ना, तो उसके बाद 2 से 3 मिनट लगेगा आपको आइटम पकाने में। ये डल गया इसमें बटर, ये थोड़ा सा और बटर, बटर आप अपने हिसाब से डाल लेना यार आपको सही लगे ज़्यादा लगे। थोड़ा सा भैया इसमें देगी मिर्च और डाल रहे हैं, आप अपना टेस्ट के हिसाब से देख लेना, अगर आपको कुछ भी कम लगेगा तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे डाल देना। यहाँ पे तो रेस्टोरेंट स्टाइल में ऐसे ही चलता है। अब डाल दिया इसमें पनीर, ये मैं एक एक क्वांटिटी लगा रहा हूँ क्योंकि साथ में मैं पनीर बटर मसाला तो है ही, और पनीर लबाबदार है, कढ़ाई पनीर है, दाल मखनी है, सब ले रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लगा रहा हूँ। और जो मैंने यहाँ पे ग्रेवी आपको सिखाई थी वो सारी यूज़ नहीं होगी, मतलब सारी यूज़ होगी पर अलग अलग पोर्शन में, यानी कि किसी में कुछ बनेगा आइटम, किसी में कुछ बनेगा, क्योंकि इतने से के लिए पकाना इम्पॉसिबल है यहाँ पर तो रेस्टोरेंट में। तो ये पड़ गया ऊपर से धनिया, और ये आपका बन के रेडी है। तो लो भाई हमारा एक पोर्शन बन के रेडी हो चुका है, 2 बंदे इसको इजीली खा सकते हैं, इतना मैंने बनवाया है ठीक है। अब गार्निशिंग देख लेते हैं इसके ऊपर, ये होगी आपकी धनिया की, ये ऊपर से पड़ गया आपका धनिया, और जूलियन कटिंग में आपका जिंजर। तो ये बन के रेडी है, हमारे तीनों आइटम्स आ चुके हैं। ये आपका शाही पनीर, ये आपका पनीर बटर मसाला, और यह आपका पनीर लबाबदार। एक बार सबकी आपको शक्ल दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी रिच ग्रेवी है सबकी, ये देखिए, और यह आपका शाही पनीर, दिखने में ही काफ़ी क्रीमी लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपसे घर पे नहीं बनता तो आप बिरयानी ब्रिज में आ सकते हो, जो कि आपका रामपाल चौक में है, शिक्षा भारती रोड है यहाँ पे। बिरयानी ब्रिज गूगल मैप में आप डालोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे, द्वारका सेक्टर 7 दिल्ली में, और काफ़ी मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से 1 है। अगर आप फिर भी यहाँ पे नहीं आ सकते तो स्विगी जोमेटो भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप बिरयानी ब्रिज में डाइनिंग या टेक अवे में आते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप वाइनम फूडी का नाम लेते हो तो 5% प्लस डिस्काउंट मिलेगा, टोटल 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।